हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 6, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ फुल फॉर्म बताए गए हैं, कुछ इंटरनेट पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका अपने नॉलेज गुरु काजल चैनल में। हमारी आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डबल सी। तो डबल सी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी होता क्या? ईमेल में एक साथ कई लोगों को सेम मैसेज भेजने के लिए इस कार्बन कॉपी का यूज किया जाता है। खाता खोल सकते हैं, मींस बैंक में जो खाता खोल सकते हैं वो कौन खोल सकता है? अनपढ़ व्यक्ति, केवल शिक्षित, 18 से 50 वर्ष की आयु वाला या उपयुक्त सभी। तो सभी खोल सकते हैं खाता बैंक में। नेक्स्ट है, सुरक्षा धागा सभी नोटों में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या ट्रिपल सी के एग्जाम में आते होंगे, ये तो बहुत नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आए हैं। कुछ बेसिक नॉलेज भी पूछी जाती है ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो आप इन क्वेश्चनों पर भी ध्यान दें। HTML का पूरा नाम, तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर की मेमोरी सीमित होती है। तो ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मनुष्य की मेमोरी क्या है? किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी तो सीमित होगी ना। तो ये क्या होगी? बात बिल्कुल सही होगी। स्माइली लेखक के चेहरे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये बात सही है। स्माइली मीन्स मुस्कुराना जो होती है, इमोजी, ये क्या करती है? लेखक के चेहरे की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्के जो जारी होते हैं भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, मोहन डबल डॉट 786@gmail.com, क्या ये सही ईमेल एड्रेस है? जी नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। देखिए कैसे मोहन नाम के आगे डबल डॉट आ रहा है, जबकि ईमेल आईडी में ना तो आप कोई डॉट लगा सकते हैं ऐसे डबल, और ना ही उसमें कोई स्पेस दे सकते हैं। तो ये हमारी ईमेल एड्रेस जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, तो वो है हमारा इंकजेट प्रिंटर। देखिए, ये उच्च क्वालिटी का कैसे माना जाता है? वैसे तो ये नॉन इंटैक्ट प्रिंटर होता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये हाई क्वालिटी की इमेज को क्रिएट कर देता है। आपके जो कलरफुल फोटोग्राफ होते हैं ना, वो इंकजेट प्रिंटर द्वारा ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम हेच से अलग होते हैं। तो देखिए, यूजर नेम हो गया खुद का नेम, और डोमेन नेम क्या हो गया? जैसे होता है ना gmail.com, तो ये होता है हमारा डोमेन नेम। तो ये हेच से अलग होते हैं, ये हेच से नहीं, ये @ से अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है, इंटरनेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इंटरनेट में जो पॉपुलर है वो है सर्च इंजन। अब जब सर्च इंजन की बात हो आई है, तो आप गूगल को कैसे भूल सकती हो? ये तो सभी यूज करते हैं गूगल। तो गूगल हुआ, याहू हुआ, बिंग हुआ, ये बाइडू हुआ, ये क्या? ये सब हमारे सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा, इनमें से बताइए सर्च इंजन कौन कौन से। तो मैंने आपको बता दिए सर्च इंजन, तो आप क्वेश्चन में देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर पर टिक कर देना। नेक्स्ट है, ईमेल को छांटने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। तो मैंने भी बताया था कि ईमेल में ना तो हम और का प्रयोग करते हैं, ना हेच का। इसमें सिंपली लिखते हैं, अगर ये अलग भी होता तो ये होता है हमारा @ से, ना कि और से, हेच से, ना ही और किसी सिंबल से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है, SATP की फुल फॉर्म क्या है? तो SATP की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखिए, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैंने आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ आंसर दे दिए हैं, आप इन फुल फॉर्मों को याद कर लेना। नेक्स्ट है, SDD की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है, AMD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो AMD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांस माइक्रो डिवाइस। नेक्स्ट है, मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की क्या है? तो कि टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एस्क प्रेस कर देंगे। देखिए, टास्क मैनेजर का जो है ना कंप्यूटर के अंदर बहुत अच्छा यूज है। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है या कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम जो है ना अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो आप इस प्रोग्राम में जाकर उसकी सेटिंग को सही कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वो सॉफ्टवेयर या टूल क्या है जिसमें माता पिता अपने बच्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं, मीन्स उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है पेरेंटल कंट्रोल। ये क्या होता है, कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटोकॉल इंस्टेंट मैसेज को प्रयोग में की जाती है। इंस्टेंट मैसेज समझ रहे हैं आप, जैसे तुरंत रिप्लाई मिल जाना, जैसे कि आपका व्हाट्सअप है या मैसेंजर है, आप जब ऑनलाइन होते हैं तो उसमें आपको करेक्टली पता चल जाता है कि बंदा ऑनलाइन है तो तुरंत रिप्लाई मिल जाता है ना आपको, तो ये होता है हमारा इंस्टेंट मैसेज। तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है हमारा XMPP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रोटोकॉल प्रेजेंट। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ FDR। देखिए FDR की फुल फॉर्म दो हैं, मैंने दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। फर्स्ट है फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड एंड सेकंड है 14 डाटा रेट। तो जो भी आपको उस वक्त ऑप्शन में दिखाई दे आपको उसी पर टिक करना है। नेक्स्ट है अनपढ़ लोगों को डेबिट कार्ड इशू हो सकता है, तो ये बात हमारी गलत है क्योंकि जो योजना थी इसमें अनपढ़ लोग करेंगे क्या डेबिट कार्ड का, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट है पैन कार्ड की आवश्यकता कब होती है, तो ये जो आवश्यकता होती है 50,000 से अधिक राशि हो इसकी तब आवश्यकता होती है। इंटरनेट आम जनता के लिए कब लागू किया गया, तो वो किया गया था 1989 में। नेक्स्ट है WWW का आविष्कार किसने किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम था टिम बर्नर्स-ली। वो इन्होंने सबसे पहले HTML भाषा का भी प्रयोग किया। WWW में वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। नेक्स्ट है WWW का आम प्रयोग कब किया गया, तो वो संजोता वो था 6 अगस्त 1991। नेक्स्ट है टेलनेट क्या है, देखिए टेलनेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से महत्वपूर्ण दूरी के बीच एक विनिमय, जैसे कि आपका ये रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, ये सब क्या है, टेलीनेट की तो एक एग्जाम्पल है। तो जो टेलीनेट की फुल फॉर्म होती है वो होती है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट है मोडम क्या है, मोडम मो मीन्स मॉड्यूलेशन और डेम मीन्स डेमोलेशन। देखिए मॉडम है क्या, मॉडम एक कंप्यूटर का बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है जो कि आपके टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए यूज़ होता है। ये कैसे डाटा भेजता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करके डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। नेक्स्ट है MMS की फुल फॉर्म क्या है, तो MMS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मल्टी मीडिया सिस्टम। और SMS की पूछने लग जाए एग्जाम में तो वो होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट है CDAC की फुल फॉर्म क्या, देखिए इम्पोर्टेंट है ये वाली फुल फॉर्म तो कई बार पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है SERP की फुल फॉर्म क्या है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी अच्छी है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और हमारी आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म पूछी गई है CMOS की, जो CMOS की फुल फॉर्म होती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों में शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।